हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो ड्रॉप डाउन को लेकर के है कि अगर हमारे पास दो टेबल है तो दो टेबल्स में ऐसा ड्रॉप डाउन बनाएंगे हम कि पहली टेबल, अब ये देखिए, ये हमारे पास पहली टेबल है प्रोडक्ट टी के नाम से और ये कुछ इस तरह से हमने बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राइमरी की है प्रोडक्ट नेम और इसे हमने रखा है शॉर्ट टेक्स्ट। अगर आप 2007 यूज करते हैं तो सिर्फ आपको टेक्स्ट ही मिलेगा, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया है। तो शॉर्ट टेक्स्ट किया है तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कुछ नाम दिए हमने प्रोडक्ट के, जैसे ईयरफोन है, हेडफोन है, कीबोर्ड है, एलसीडी, एलईडी, माउस, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट के नेम है वो हमारे कस्टमर टेबल में आ जाए, यानी कस्टमर आईडी के हिसाब से यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन भी दिखाई पड़े, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट नेम हमने यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट टी में, लेकिन कस्टमर टी में भी हमें ये चीजें दिखाई पड़े। तो ऐसी टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट पर चलते हैं, टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे टेबल हम ले चुके हैं, ठीक है, और हमारे पास एक पहले से प्रोडक्ट टी नाम का टेबल मौजूद है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले इसे क्लोज कर लेंगे, फिर ये डिलीट होगा। ये कस्टमर टी क्लोज किया, प्रोडक्ट टी क्लोज किया और ये कस्टमर डेटाबेस जो बनाया इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें डिलीट किन किन चीजों को करना है, ये कस्टमर डेटाबेस को मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, ये इस तरह से हमने डिलीट कर दिया और कस्टमर टी को भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो ये भी हमने डिलीट कर दिया यहां से। अब ये दो टेबल हमारे पास मौजूद है, एक प्रोडक्ट टी जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं और यहां पर एक टेबल और हमें क्रिएट करनी है। तो डिजाइन व्यू पे चलते हैं और यहां पर इसे नाम दे देता हूं मैं कस्टमर टी, ठीक है। तो ये कर दिया हमने कस्टमर और टी, यानी कस्टमर टेबल कुल मिला करके ये कहना है, तो कस्टमर टी, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया और यहां पर अब हमें कस्टमर की डिटेल डालनी है, तो यहां पर कस्टमर आईडी आ जाएगी, ठीक है, कस्टमर की आईडी आएगी। इसे प्राइमरी की रखा है, ऑटो नंबर, ठीक है, और यहां पर आएगा, इसे नंबर रख लेते हैं हम, ऑटो नंबर रखने के बजाय यहां पे मैं कर देता हूं नंबर, ठीक है। और यहां पर आएगा नेम, कस्टमर का नेम आएगा, तो नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और यहां पर इसे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे और यहां से व्यू पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब ये इस तरीके से आएगा, अब यहां पर कस्टमर आईडी आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कस्टमर आईडी है 1001, ठीक है, और नेम है राम, ऐसे करके देंगे 1002 और यहां पर श्याम कर देंगे, ठीक है। ये दो नाम हमने दे दिए हैं और यहां पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट टी में इस तरह से ये बना हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट टी है ना, ये जो प्रोडक्ट टी है इसमें जो चीजें हैं वो हमें फेच करनी है इस वाले टेबल में, इस वाले टेबल में भी चाहिए हमें। तो यहां पे प्रोडक्ट नेम कर देता हूं, प्रोडक्ट नेम। अब यहां पर हम खुद से प्रोडक्ट नेम नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि वो वाले टेबल से हमारा प्रोडक्ट नेम जो है फेच होकर आ जाए। तो लुकअप विजार्ड पे जाइए और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट टी से ही तो हमें फेच कराना है सारा डेटा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और यहाँ प्रोडक्ट नेम और यहाँ नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए और फिर यहाँ फिनिश पे कर दीजिए क्लिक और ये यस कर दीजिए। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये कस्टमर वाली डिटेल है हमारी, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आपको जाना है और यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिखेगी, इसे थोड़ा चौड़ा कर लेता हूं मैं, और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन इस तरह से पिक कर सकते हैं यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ, यानी दूसरे टेबल से उठा करके आप ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजिली। ये आपको हेल्प करेगा बड़े सॉफ्टवेयर्स को बनाने में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी अच्छी लगेगी आपको, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।